मॉडलिंग इन इंडिया की बात करें, आप एक पोर्टफोलियो कराते हैं, फोटोशूट कराते हैं, बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि फोटोशूट कर क्यों रहे हैं। अच्छा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हैं शूट पे, वी शूटिंग विद माही हियर, जो स्पेशली आई है। हेलो माही। हाय। बुलंदशहर से, यूपी से हमारे पास शूट करने। यस, एंड शेल्टन आवर गर्ल राइट हियर। सो हम लोग सेट हो गए पहले लुक के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है पूरा लुक। एंड पहले होने वाले हैं ब्यूटी शॉट्स और बहुत सारे आप एस्पायरिंग मॉडल्स, फीमेल मॉडल्स जो पोजिंग की बात करते हैं, मॉडलिंग की करियर की बात करते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे माही के साथ। लेट्स स्टार्ट। तो पहला लुक स्टार्ट हो गया। एक प्रॉब्लम फेस क्या कर रहे हैं हम लकी? माही का जो फेस है वो अटक गया इंस्टा प्रोफाइल की वजह से। तो हम माही को समझा के थक गए हैं। हाँ। कि माही हमें ऐसा शॉट चाहिए, बट वो कह रही सर ओके, और एकदम से ऑटोमेटिकली गर्दन इंस्टा प्रोफाइल पे चले जाती है, जो आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। देखो ये भी ऐसी बात कर रही है। हाँ सही कह रहे हो। तो वो अच्छी बात है कि सबको अपने अपने प्रोफाइल पता होते हैं, बट जब आप शूट कर रहे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हाँ मेरा ये प्रोफाइल, मेरा तो ये अच्छा लगता है वैसे ये। हाँ बट आप फोटोग्राफर की बात भी सुने और हाँ और डिफरेंट डिफरेंट पोजेस एक्सपेरिमेंट करें, डिफरेंट फ्रेम्स एक्सपेरिमेंट करें, विच इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। सो लेट्स शूट। एक चीज मैं सीख गया हूं आज, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत धूप पड़ी है, कि कहीं भी हो आप, है ना, कुछ भी कर रहे हो, रील बनाना बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये मैंने अभी माही से सीख लिया। माही ने कंटिन्यूअसली सुबह से 75 रील बना लिए, आराम से हो गया ना, पूरा यूट्यूब का ब्लॉग हो गया है फोटोशूट के साथ साथ। शीज सो डिटरमिंड के भैया साथ में, है ना, छूटे ना व्लॉग के साथ साथ पूरी रील्स, हर लुक में शीज मेकिंग अ रील, जिसका मतलब है कि आई एम श्योर आप लोग बहुत बार मेरे चैनल में इधर ही आते हो यार छाया में, आप देख चुके हैं कि रील बनाना इतना जरूरी है कि सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहें और अपने आप को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं एज एन मॉडल और एक्टर। ये बहुत ज़रूरी है, ये हर मॉडल को आई थिंक फॉलो करना चाहिए, है ना। ये करते हो ना आप सारा दिन, हमेशा। परफेक्ट। तो चलो नेक्स्ट लुक के लिए चलें। तो हम लोग ऑलमोस्ट चार लुक्स खत्म कर चुके हैं और माही हैज बीन सुपर्ब। बहुत अच्छे अच्छे लुक्स आ चुके हैं। हमने ब्यूटी शॉट कर लिया, हमने कैजुअल वेयर कर लिया, गर्ल नेक्स्ट डोर एक टॉम बॉय सा लुक हो गया, और ये था थोड़ा फैशन। तो मॉडलिंग इन इंडिया की बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो टिप्स जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो करते हुए हम मॉडल बने इंडिया में क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। एक चीज़ है जो आज मैं माही के साथ भी करते हुए देख रहा था कि आपको एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। माही कैसे लगे सारे लुक्स यार? सारे लुक मेरे लिए बहुत जरूरी थे और बहुत न्यू थे, है ना। और माही ने मुझे बोला भी कि सर ये मेरे लिए भी नई चीज़ है, नई चीज़ है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में नई चीज़ एक्सपीरियंस करूँ। क्योंकि अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो या किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो नई चीज़ एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है, वरना पुरानी चीज़ें आपको कभी भी आगे नहीं जा। और बिल्कुल, जैसे मॉडलिंग इन इंडिया की बात करें, आप एक पोर्टफोलियो कराते हैं, फोटोशूट कराते हैं, बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि फोटोशूट कर क्यों रहे हैं। मेन मोटिव फोटोशूट का, पोर्टफोलियो का ये रहता है कि आप जो हो आप हो, राइट, आप जो दिखते हो दिखते हो, बट आप जैसे अभी हमने कर्ली बाल कर दिए, हमने कुछ यू नो टॉम बॉयज टाइप के थोड़े से लुक आपको बनाए। ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं जो आप खुद से कभी ट्राई नहीं करते, नहीं करते, तो आप एक्सपेरिमेंट करते हो। ये एक एक्सपेरिमेंट है और इससे आपको ना कुछ नया सीखने को, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे लिए आज से आज सीख रही है ना, नेक्स्ट लेवल पे जा रही हूँ, राइट। मेरा इंस्टा था, यूट्यूब था, वहाँ पे मैं पुरानी चीज रिपीट कर रही थी, लेकिन आज जो सूट हुआ उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पे चली गई। नेक्स्ट लेवल। तो आप अपने लुक्स के साथ जरूर एक्सपेरिमेंट करें। सारे मॉडल्स को मेरी तरफ से टिप्स है मॉडलिंग टिप्स के बारे में बात करें कि आप एक्सपेरिमेंट करें। हाँ ठीक है, हमें पता है मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इसमें अच्छी लगती हूँ, मैं कुछ और नहीं ट्राई करूंगी, बट जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ट्राई करेंगे, है ना, यू नेवर नो कि आपके लिए वो और बेहतरीन निकले। बाकी अभी खाना तो हो गया, पेट पूजा हो गई है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। लव द लिपर्ड जो लकी ने दिया है, बहुत बहुत ब्राइट है ना पूरा। गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि टोटल लुक्स में से आपको बेस्ट लुक कौन सा लगा। यस, सो दिस इज ऑलमोस्ट द सेकंड लास्ट लुक, और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं इंडियन लुक में, है ना। हेयर वेयर अनुराग चेंज करेगा। इट्स एक्चुअली अ टीम एफर्ट। बहुत बार होता है कि मॉडल रेडी हो जाते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं यार ये चीज़ें ठीक नहीं लग रही है। तो अभी क्या हुआ, माही वॉज रेडी बट लकी को यू नो शी इज़ नॉट लाइकिंग दी लिप कलर एंड ऑल, तो हमें वेट करना पड़ा, चेंज हो गया, बिकॉज शेल्टन वॉज लाइक कि नहीं मेरे को वाइन कलर का लिप शेड चाहिए जो इस गाउन के साथ अच्छा लगेगा। सो हमें वेट करना पड़ा, हो गया चेंज, और अब जा रहे हैं हम नेक्स्ट लुक के लिए। लेट्स गो।
फॉर द लास्ट लुक तो फास्ट 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 हो गया सब कुछ बिकॉज आज पोजिंग बहुत अच्छी थी. और मॉडलिंग और एक्टिंग की टिप्स के बारे में कैसे लगे आपको आज के टिप्स नीचे जरूर बताइएगा. ये लास्ट लुक है इंडियन का और बहुत ही सुंदर लग रहा है. लकी किसका है यार ये? सितारा भाई संचित. सितारा भाई संचित का आउटफिट है ये. सो रियली नाइस. सो इसमें वी हैव टू कीप इट वेरी एलिगेंट सिंपल पोजिंग. नॉट टू मच लाइक दिस और लाइक दैट. जस्ट सिंपल स्माइल सॉफ्ट स्माइल ऑल दिस गोना वर्क. ठीक That's a wrap. Thank you so much, Mahi. पूरा लुक आपको कैसा लगा आज का वीडियो नीचे लाइक कमेंट करके जरूर बताना. एंड थैंक यू टू माय टीम देयर अनुराग लकी शोकी एंड माही के भाई. थैंक यू सो मच. सी यू गाइस. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. बाय बाय.